अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू द अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रही आई नो, बट उसके भी एक रीज़न है क्योंकि मेरी एग्ज़ाम है 13 मई से। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जा रहा है। 12th क्लास में एक दिन भी एबसेंट करने को नहीं कहा जा रहा था, बोले थे रेगुलर आओ क्योंकि उसके बाद फिर समर वेकेशन की भी छुट्टी मिलेगी। शायद 18 के बाद से छुट्टी मिलेगी, तब रेगुलर ब्लॉग भी आएगी गाइस। क्योंकि ना अभी ऐसा हो जा रहा है कि पढ़ाई का प्रेशर हो जा रहा है, साथ ही साथ ब्लॉग नहीं हो पाता है। कॉलेज से आने के बाद इतना ज़्यादा धूप से आती हूँ कि थक जाती हूँ बनाने का, फिर मन नहीं करता। सोचती हूँ आज बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, परसों बनाऊँगी, बट आज मैं टाइम लगा के निकाल के बना ही ली। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। सो गाइज, रात में मेरी मम्मी बना दी थी फालूदा और उसे फ्रिज में रख दी थी, और सुबह के टाइम पे खाने में इतना मज़ा आता है ना। तो कॉलेज जाने से पहले मेरी मम्मी मुझे, मेरे भाई को और मेरी बहन को दे रही थी, तो बहुत टेस्टी लगी खाने में। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ कॉलेज, वही मैं बता रही थी कि मैं जा रही हूँ कॉलेज, लेकिन उस टाइम पे मैं नींद में थी, मॉर्निंग में कॉलेज था मेरा। 5:30 में उठी थी, 6 बजे तक मुझे जाना था, तो इसलिए मेरी बात आपको समझ नहीं आती, इसलिए मैं ऊपर से वॉइस दे रही हूँ। तो आके मिलती हूँ कॉलेज से। सो गाइस, मैं कॉलेज से घर आ चुकी हूँ और चिल्ला के मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो मैं आपको दिखा दी, इतनी अच्छी लग रही ना हवाई, बहुत तेज चल रही है, अजान हो रही है, रुक जाओ थोड़ा। तो मैं आपको दिखा दी। सो गाइस, बारिश बहुत जोर से हो रही है बट ये रिकॉर्ड नहीं कर पा रही है इतनी। और वो देखो पूरी कपड़े मेरी मम्मी आज धोई थी, अब पर वो भीग रही है तो मुझे जाके लाना पड़ेगा, ऐसे मैं नहाऊंगी क्योंकि अच्छा से ऐसे भी भीग रही है। सो गाइस, बहुत तेज का बारिश हो रहा है और मैं अपनी बैग पे काम दी हूं, मैं आपको दिखाती हूं। ओके कर लो, वेल डन बेबी, हो जाएगा। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था जब मैं किचन में आई, तब मैं देख रही हूँ मेरी अप्पी थी किचन में ना, वो आकर के देख रही है। वैसा मौसम बहुत अच्छा क्या है और उसे मन क्या, बारिश हो रही थी ना तो मन क्या होगा तभी ये बना रही है, वरना हम लोग सभी के ये बना रहे हैं, ठीक है ना। हाँ वही जो भी बहन, तेल गर्म हो रहा है यहाँ, ये तेल भी गर्म करने दे रही है लड़की अपने, लाइट भी कट चुकी है। खुशखबरी देखो, आज तो मेरी लाइट जाएगी ही ना यार। शुभ कामों में मेरी बहन का ये लाइट हमेशा धोखा दे देता है। नहीं, बारिश होगी और लाइट का जैसा हो नहीं सकता, वो भी रांची में मान नहीं सकते। और रांची में आज बहुत अच्छा मौसम किया है, आप लोग भी रांची से हो तो बताना कमेंट में। तो बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। अरे कैसे टेस्ट, ये लोग को कैसा लगता है मेरा बनाया हुआ पकौड़ी? को बनाई थी मेरे भाई को, बहुत पसंद आया था, पर आज कैसा लगता है वो मेरे बड़े भाई ने खाए थे तो वो खा के बताएंगे। बकवास लगेगा, वेट कर। इस पकौड़ी तो बन चुकी है लेकिन चाय की कमी है, मेरी बहन को दूध लाने के लिए भेजे तो दुकान बंद था सदफ का, जिसके यहाँ से हम लोग लेते हैं सामने वाले के यहाँ से। बारिश में कहाँ जाएंगे अभी दूध, तो मेरी मम्मी भाई को भेज रही है। तो गाइस, ये आई है आइसक्रीम लेने। ये दोनों बचपन में ऐसा कौन कौन करते थे बताना। मेरी बहन से कल मांग रही थी ये लोग डायरी मिल्क, और इतना इतरा रही थी ना देने में, और ये लोग का दिल देखो बच्चे मन के सच्चे। सो गाइस, भी मेरे भाई भी लेते आए आइसक्रीम मेरे लिए, मेरे बहन भाई सभी के लिए। और साथ ही साथ ये ग्रीन वाली लेस मेरी तो फेवरेट है, ये नींबू वाली लगती टेस्ट इसकी बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ आइसक्रीम खाने का मन करता है हर टाइम हर वक्त। कौन कौन अभी तक मैंगो नहीं खाए मुझे बताना, कहते हम लोग भी अभी तक नहीं खाए। मेरे अब्बू ने बनाई है क्या, समय का पुलाव। तो ये है समय का, नहीं नहीं बस ज़्यादा नहीं। सो गाइज, मेरी मम्मी चुन रही है चावल और आज हमारे यहाँ बनेगा बिरयानी, वो भी मिक्स छोटे चावल की है ना। तो बहुत दिनों से छोटे चावल वाली बिरयानी नहीं बनी, तो मेरे भाई लोग का मन कर रहा है इसलिए मम्मी बना रही है। अभी देखो चावल चुन रही है और मैं खा रही हूँ ये समय। सो गाइस, फिर हमारा आगे पार्सल, ये मेरे भाई ऑर्डर किया था बॉटल, मुझे पता भी नहीं था। एंड ये 6 पीसेस में आया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इसकी। और ये देखो 6 पीसेस में, दो ब्लैक था, दो सी ग्रीन था और दो पिंक था। तो हमारे यहाँ अगले साल भी बॉटल आई थी और इस साल भी, अगले बार वाइट कलर की आई थी, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये वाली भी अच्छी है बट इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा मुझे। हम लोग
छत, यहाँ भी मम्मी और नानी बात कर रही थी। सो गाइस अभी हम लोग आ गए छत और अभी बात करी मेरी फ्रेंड की, चलो आज बनाते हैं चैलेंज वीडियो फुचका की। और ये देखो अपनी पूरी फेस ये छुपा लिए, क्यों? क्योंकि मुर्गी में अभी थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रही, उसमें मतलब वो प्यारी है, खूबसूरत नहीं, बस तारीफ नहीं। सो गाइस देखो मेरी नानी हम लोग के लिए छोला लेके आई है, तो खा रहे, मेरी बहन भी खा रही है। एकदम इधर से लाइट नहीं अच्छा आ रहा, एकदम आ रहा, ये पागल दोस्ती हम जल्द ही तोड़ देंगे। पर टंग नहीं उन्हें आ रहा, लो लो मुझे अभी थोड़ा सा तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज अप्पी यहाँ पर पढ़ाई कर रही है और अप्पी को भी भूख लग चुकी है और हमको भी भूख लग चुकी है। तो तुम्हें भूख लगी है ना? तुम्हें भूख लगी है कि नहीं लगी है? हाँ तो जा रही है, अब मैं मैगी बना लूँगी और तुम्हें भी ठूसा दूँगी, तुम ठूस लेना, उसके बाद अच्छा से पढ़ाई करना। सो गाइज मैंने अपने लिए भी मैगी बना लिया और मैंने अपनी अप्पी के लिए भी मैगी बना लिया, तो अब मैं जा रही हूँ उसे दे देती हूँ, उसे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी होगी। तो लो तुम्हारी मैगी, ऐसे ना जैसे कि तुम्हारा कलेजा दुखर दुखर होने लगा। खा के बता कैसा है, सुन ना। हाँ एक और चम्मच लेता नहीं? अम्मी यहाँ देख रही है कि हम कैसा बनाए, हम अच्छा बनाए होंगे। खा के तो बताओ कैसा है, कैसा है अम्मी? बहुत खराब। ए सच रिव्यू क्या ले ली दी, हमको खुद खा के दिखा, हमको खुद खिलाना। तो मेरे ये वाले भाई के कहने पे बना है ये आज बिरयानी। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए घर। और मेरे भाई लोग आ गए हैं जिम करके, बैगन सैलेड और ये साथ ही साथ ये अचार, जो कि बिरयानी में चार चांद लगा देगी खाने में। चार चांद लगा देगा, दो चांद कहने लगा क्योंकि हम लोग चार भाई बहन हैं। सो गाइस खाना वाना तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से और आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैं ब्लॉग को मतलब चार पार्ट में अपलोड करती हूँ, मतलब ये पूरी वीडियोस ना मेरी 4 डेज़ की बनी हुई, थोड़ी थोड़ी क्लिप में लेके बस रख दी थी, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आगे लूँ फिर एडिट करूँ अपलोड करूँ। सो मैं 4 डेज़ में मिला के जितनी भी ब्लॉग बना पाई हूँ तो उसे आज मैं अपलोड कर दे रही हूँ। तो बस यही था आज की ब्लॉग, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।